जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, घुमतू चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। और आज फिर से मैं तुम्हें यार कहीं पहाड़ों में घुमा रहा हूँ। आज मैं हूँ कहाँ पे ये देख रहा हूँ, कहीं अभी जंगल के बीच में हूँ। ऐसे पता तो मेरे को भी नहीं चल रहा है कहाँ पे वो जगह का नाम, ठीक है। लेकिन अभी मैं भवाली से कहीं आगे हूँ और आज ना प्लान है अल्मोड़ा जाने का। अल्मोड़ा में कहाँ जाना है कंफर्म नहीं है। सुबह 4 बजे निकला हूँ, 4 बजे मानो या ना मानो। 4 बजे से पहले ही उठ गया, 3:30 बजे मैं उठ गया था, नहाया गया और 4 बजे के अराउंड में घर से निकला हूँ। लॉन्डे को पिक किया है। हेलो, पहचान तो रहे होगे ना, लॉन्डे का चैनल है यार, देखा होगा आपने कहीं ना कहीं इसके चैनल को भी। एक्सप्लोर विद दानू भाई का चैनल है। फिलहाल यही है मेरे साथ। और अल्मोड़ा में कुछ लड़के पहले पहुंच गए हैं तो वो लोग भी मिलेंगे, उनसे भी मिलवाएंगे। आप जाओ हल्द्वानी, हल्द्वानी से पूरा स्टार्ट करो। क्या मतलब स्टैंड नहीं लगा था, मतलब कहीं पहुंच गए हैं। अभी अल्मोड़ा हमने क्रॉस किया है तो ज्यादा हेलो हेलो बोल रहा है अभी, ये हल्ला जिसने ज्यादा कर रखा है, ठीक है। जगह देखो यार, जगह बड़ी गजब है। ये लोग ब्लॉग भी नहीं करने दे रहे हैं, हल्ला ज्यादा काट रहे हैं। अभी सारे लॉन्डो की शकल दिखाते हैं, गंदी गंदी शकलें दिखाता हूँ इनकी सबकी, ठीक है। बाकी ये आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यार अभी जाने का क्या सीन है मनोज भाई को पता है, तो उनसे पूछते हैं अभी कहाँ जाना है, आज का प्लान क्या पूरा। तो यार अभी चलेंगे हम लोग, जागेश्वर का हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है आज का। और सावन का महीना चल रहा है तो थोड़ा भोलेनाथ के भी दर्शन होंगे। जागेश्वर मिलते हैं भाई लोग आगे। आज का प्लान है जागेश्वर जाने का। 20 वाले ब्लॉग में हम जागेश्वर तक चलेंगे, के बाद का फिर देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है क्या है। लेकिन ये ब्लॉग जो रहेगा ये हमारा रहेगा हल्द्वानी से जैसे हम आए हैं, ये रहना है जागेश्वर तक। अभी अल्मोड़ा क्रॉस कर लिया है। अभी जिस जगह पे मैं रुका हूँ ये जगह देखो यार, क्या गजब जगह है। व्यू देखो ना पीछे, चलो यहाँ से तुम्हें एक व्यू देखो। जैसे हम रुके हुए हैं सुसु ब्रेक के लिए यहाँ, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं, आप रोड एंजॉय करो। आपको जो नज़ारे मिलेंगे अभी के वो गजब होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मुंह नहीं धोया सुबह से। एक जमाने में मैं भी स्मार्ट हुआ करता, ऐसे ही घूमता था मैं जैसे ही लोग। वो जमाने पहले चला गया साला, अब तो ऐसा हो गया, ऐसे ही नंगे नंगे लड़कों के साथ घूमना पड़ रहा। देखो हरकतें देख रहे हो इसकी। चलो आप रास्ता एंजॉय करो, नज़ारे जो मिलेंगे वो वाले गजब हैं, गजब से नज़ारे मिलेंगे। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, टी ब्रेक है। और पीछे देख रहे हो बाइकें हमारी ये लगी हैं, ये कोई और बाइक है। तो ये 2 बाइक और एक स्कूटी लेके आए, 6 भाई बंधु आए। चाय के लिए रुके हैं, ये है टपरी चाय की जहाँ हम रुके हैं। देखो लॉन्डो की हरकतें दिखाते हैं तुम्हें। तो ठंडे पानी से मुँह नहीं आपको दिखाओ क्या है, बढ़िया करके गीजर से मैं। मिलेगा ये बैग नहीं है। कैसी हो रही चाय? चीनी कम है। सही हो रही है, चलो देखते हैं। लॉन्डे ने कह दिया सही हो रही तो सही होगी। शानदार वेदर की शानदारी चाय होगी क्या होगी ये क्या खा के पैदा कर दे ये देखो सिंगार चाय पी लिया अब यहाँ से निकलते हैं। इनका तो श्रृंगार ही नहीं हो रहा यार ये देखो इतनी तो अगर ये पग भी पहनते ना तब भी इतना टाइम लगा जितना इन्होंने इसमें गमछे में टाइम लगा दिया ये लग रहा है। चलो मिलते हैं। जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो उनमें से अष्टम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है नागेशन दारुका बने। चार नाम इनके यहाँ आते हैं पुराण में, जागेश्वर, यागेश्वर, हाटकेश्वर और नागेश्वर। उसके अंदर 125 मंदिरों का ग्रुप सेंटर है तो उसमें मुख्य मंदिर जो है नागेशन दारुका बने के नाम से ज्योतिर्लिंग जागेश्वर का मंदिर है। राजा शाली वाहन ने 7वीं सेंचुरी में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया तो उससे पूर्व मंदिर जो है वो लकड़ी के बने हुए मंदिर बताए गए हैं लेकिन वो लकड़ी के मंदिर किसने बताया इसका कोई इतिहास नहीं है। राजा शाली वाहन ने मंदिर का जीर्णोद्धार पत्थरों से किया। जय करो वीर बजरंगी हर महादेव, जय करो वीर बजरंगी हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन हो गए हैं। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों ने फोटो और वीडियो नहीं बनाती लेकिन कोशिश की है कि कवर करें मंदिर को तो कवर किया है और काफ़ी देखते हैं अभी क्या सीन है। इस ब्लॉग को यार यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मिलता हूँ। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाने का प्लान है। सारे ब्लॉग अलग होंगे, हर जगह के ब्लॉग अलग बनेंगे तो उसको उस हिसाब से देखेंगे अगला कहाँ बनता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग को मिलता है।